जंगल है वो सामने आपको दर नजर आ रहे होंगे, उसमें वो जो हस्ती है जो बाबा का जिक्र है, बाबा डोरा, हाजी डोरा बाबा, हाजी डोरा, हाजी डोरा बाबा का मजार शरीफ वो नजर आ रहा है, झंडे उसके अंदर लगे हुए हैं। ये जंगल है, यहाँ हद हो जाती है बोट्स की भी, कहते हैं जी बोट भी अब आगे नहीं जाएगी यहाँ से। आप अंदाजा लगा लें कि पानी मौजूद है, उसके बावजूद बोट्स तक किस जगह पर आकर रुक जाती है जो हादसा यहाँ। अब हमें यहाँ से पैदल जाना होगा, उस जगह फंसी होगी, बहुत ज़्यादा होगी और भी बहुत सारी मुश्किल हो सकती है, लेकिन इस जगह पर आकर बोट्स भी कहती है कि हम वापस जा रहे हैं। अभी देखें ये भाई चला रहे हैं यहाँ पे बोट और ये कह रहे हैं कि जी हम आगे नहीं जाएंगे यहाँ से। पानी भी जो है ना लगे नज़र आ रहा होगा आपको काफ़ी आगे तक पानी, उसके बावजूद गहराई क्योंकि यहाँ बोट्स भी नहीं जाती। अब हमें यहाँ से पैदल जाना होगा। कीचड़ वही है अंदर, साथ ये जानवर का पंजा, एक पाँव इंसान और एक पाँव जानवर, ये देखिए आप, ये जानवर का एक पाँव इंसान साथ रहे ना सारे भाइयों। सुर भाई असल भजन इंसानी और पाँव नहीं, आपने नोट नहीं किया सुर भाई, एक पाँव इंसानी एक पाँव जानवर है। हाँ 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 वही, वो यही भाई तो कह नहीं रहे थे, देखते देखते चुड़ैल से जानवर। एग्जैक्टली हाथ पकड़ लें, आगे आगे हाथ पकड़ लें, अल्लाह
ये पत्थरों पैर रखते हुए आ गए। हम पहुंच गए हैं हाजी डोरा बाबा की जगह पर। कहते हैं कि हमें पाकिस्तान बल्कि जंग से पहले जिन हस्तियों ने दुश्मनों का मुकाबला किया, गैबी मदद सुलभ जो की, उनमें एक हस्ती का नाम इनका भी आता है, हाजी डोरा बाबा का। मैं चीज़ पे आपको बताऊं, ये अल्लाह के बंदों की शान है कि जिस जगह पे हो एक कुदरती तौर पर सफाई जो आपको नज़र आ जाएगी यहाँ पर, ऐसा लग नहीं रहा कि जिस जगह से हम आए हैं उधर ये कहते हैं ना कमान का फूल कीचड़ में खुलता है, बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ एनवायरनमेंट को, यकीन है सबसे पहले आप हैं, उसके पीछे जो गायबात मामलात चीज़ें जो लोगों ने देखी वो स्टोरीज़, कोई चुड़ैल के नाम से जानता है उनको, कोई अजीबोगरीब जानवरों के नाम से जानता है, और अब आलम ये है कि कोई कश्ती, कोई बोट, कोई जहाज़, कोई लॉन्च इसके करीब नहीं आती, एक बहुत दूर फासला ही और वो चले जाएं। आप यहाँ तक आएँ हाजी साहब के पास, मुलाकात करके चले जाएं इनके बैक साइड पर, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जो जाना है। असल में सीज़न भी शुरू हो चुका है मुर्गाबी का, कूंच का, ठीक शिकारी भाई आते हैं मछली के शिकार के हवाले से, जाल लगाते हैं, उनका क्या कहना है वो भी सुनवाते हैं आपको। चलें सलाम, चलें चलें, ठीक है। सर का डांसा मैंने देखा, मैं पंप के अंदर घुस गया, नहीं निकला। फिर वो भाई खड़े हुए, उसको मैंने कॉल किया, वो आया, फिर मैं हम दोनों निकले। एक ऐसा जजीरा जहां कोई नहीं जाता, जिसकी वजह बसेरा बताया जाता है, जिन्नात का बसेरा। जी हाँ, कराची की साहिली पट्टी पर वाक्य एक आबाद इलाका मनोड़ा, जिसके कुछ फासले पर एक ऐसा जजीरा मौजूद है जहाँ मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ मखलूकात को देखा, इंतहाई खौफनाक मखलूकात को। अक्सर माहीगीर और शिकारी यहाँ का रुख करते, लेकिन एक तवील अरसे से अब कोई इस जगह के करीब भी नहीं जाता। यहाँ लोगों के साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा, आइए जानते हैं यहीं पास के एक इलाका मकीन मोहम्मद शफी साहब से। जो जाते हैं वो उनके साथ हादसे हुए, ठीक है ना, हादसे हुए। बंदे चार पांच अगर जाते हैं तो उसमें से एक बंदा देखता है। अच्छा, एक एक बंदे को नजर आता है, बाकी वो तीन को बता रहा है, देखो ये खड़ा हुआ है, बोला हमें नजर नहीं आ रहा है। ओके, एक ही बंदा देखता है। अच्छा, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं जिनातों में, परिंदे हम खम्बू बोलते हैं, परिंदे को मुर्गाबी ये मारते हैं, इसके अलावा जाला भी डालते हैं परिंदों को। सही, तो वो अक्सर रात को 2:30 से 3 बजे निकालने जाते हैं। अच्छा अच्छा, 2:30 से 3 बजे पानी जब बढ़ती आता है फिर उतरता है तो हम जाते हैं निकालने ना। सही, ठीक है ना। तो यहाँ पे अक्सर ये जिनात तो बहुत ज्यादा हैं, हैं बिल्कुल, ये है, मैंने खुद भी अपनी आंखों से देखा हूँ। अल्लाह, क्या देखा शफी भाई? मैंने चुड़ैल भी देखा है और सर कटा इंसान भी मैंने देखा अपनी आंखों से। और इन्हीं जंगलों में? इन्हीं जंगलों में 3-4 महीने पहले जी, मेरा पंप जहाँ है ना, हाँ, वहां से मैं आ रहा था तो सर कटा, ठीक है, सर कटा इंसान मैंने देखा, मैं पंप के अंदर घुस गया, नहीं निकला। फिर वो भाई खड़े हुए, उसको मैंने कॉल किया, वो आया, फिर मैं हम दोनों निकले। शफी भाई, ये जो आप बता रहे हैं चुड़ैल देखी आपने, ये जंगलों में देखी? जंगलों में। किस टाइम, क्या वक्त हो रहा था उस टाइम?
तकरीबन यही कुछ 12-1 का टाइम था। तो आप वो वही जाल के हवाले से, परिंदों के हवाले से गए थे वहाँ पे? जी जी जी। कोई और था आपके साथ? तकरीबन हम 6-8 लड़के थे। और आपने देखी? मैंने देखी। क्या हुलिया था उसका? हुलिया तो ऐसा था कि बिल्कुल अजीब और गरीब, चेहरा बिल्कुल ऐसा था ना कि मेरे बाल बाल खड़े हो गए कि ये क्या है। लेकिन मतलब मेरे साथ जो बंदे थे उनके हौसले से मैं अपने आप को पकड़ पाए, अगर अकेला बंदा होता तो दिल भी फटे। सही सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो लोगों ने यकीन नहीं किया होगा आपका इस बात? बिल्कुल यकीन करते हैं, और यहाँ जो यहाँ के रिहायश है उनको पता है, यहाँ के बड़े भी बोलते हैं कि भाई रात को जंगलों में मत जाया करो, लेकिन बच्चे ही सुनते ही नहीं है, जाते हम जैसे सुनते नहीं है ना भाई। सही 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 सही। तो मतलब सबको पता है कि जी जंगल, देखे हमारा भी ईमान है कि जिन्नात जो है जंगलों वीरानों बेहबानों में रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जंगल वैसे जंगल तो नहीं है कि जो कटे हुए हों दुनिया से, यहाँ कुछ फासले पे आबादी भी है, आबादी है, और कुछ फासले से कश्तियां भी जाती हैं। फिर आप कहते हैं लोग अपने शिकार के हवाले से भी यहाँ पे आते हैं? आते हैं बिल्कुल। तो यहाँ भी जिन्नात मौजूद हैं? मौजूद हैं, जिन्नात यहाँ हैं, ठीक है ना। जैसा मैंने आपको कहा कि मेरे दो फोटो में भी चुड़ैल थी, हम चार लड़के खड़े हुए ऊपर चुड़ैल खड़ी, हमें इलम नहीं था लेकिन वो फोटो में आ गई और फोटो आपसे डिलीट हो गई। फोटो डिलीट हो गई, मेमोरी जल गई। मेमोरी जल गई? हाँ मेरी मेमोरी। अच्छा, ऐसा तो नहीं शफी भाई आपको धोखा हुआ और डर के मारे? नहीं नहीं नहीं, मारे। नहीं नहीं नहीं, धोखा नहीं हुआ है भाई। हमारे ये जो हमारा जजीरा है ना, ये 250-300 साल पुराना जजीरा है, ठीक है ना। यहाँ कोई भी इमाम साहब आता है ना तो वो हमें कहता है कि आप यहाँ कैसे रह रहे हो? अच्छा, या आप कैसे रह रहे हो? यहाँ तो पूरे चारों तरफ जिन्नात ही जिन्नात है, आप यहाँ रह रहे कैसे हो? वाह वाह। सर कटा इंसान भी मैंने देखा, बाखुदा अल्लाह की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा। हुए, हुए, हुए। मेरे जिस्म में कप कप ही आ गए, बाल बाल खड़े हो गए। ऐसे भी लोग हैं जो देखते हैं वो बीमार हो जाते हैं, घर में पड़ जाते हैं, तीन तीन चार चार दिन पड़े रहते हैं, फिर कोई इमाम साहब दम करता है तो वो सेट होते हैं, ठीक है ना। यहाँ बिल्कुल है। हुए, 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 हुए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कौन चल रहा है? एक जगह रुके रहना सब। ये क्या हो रहा है? Oh my God, oh my God. ये कौन है? आवाज़ें सुन रहे हो? आवाज़ें सुन रहे हो? कौन है? ये आपको हमने दिखाया हाजी डोरा बाबा की, ये बैठक कह लें इसको, अलम शरीफ कह लें, चिल्लागा कह लें। ये है एंट्री पे इस मैंग्रोव्स की, इसके पीछे जंगल शुरू होता है ये, और यहाँ कोई नहीं जाता। चलें देखते हैं। पीछे कुछ गिरा है ना? हैं पीछे कुछ हुआ है? पीछे कुछ है, आवाज़ आई है अचानक से। चलें। ये क्या है सामने? ये क्या है सामने? कहाँ पे? ये क्या है सामने? काशी फिर शूट करना। ओह ये क्या है? इधर आ, इधर आ, इधर आ। ओह ओह माय गॉड, ये क्या हिल रहा है? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, शूट हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, सुन भाई रिकॉर्ड हो रहा है। लाइट 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 आ रहा है काशी, हां कुछ चमकता आ रहा है, चमकता आ रहा है, कुछ चमकता आ रहा है। क्या चीज है, क्या चीज है, क्या चीज है? नहीं नहीं, चमक पीछे कुछ रहा है, अंदर जा रही है, चमक तो बहुत दूर है। नहीं नहीं, ये देखें, ये चमक तो बहुत दूर है काशी, ये कोई चमक के साथ, ये ये झाड़ियों के पास यार, रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रहा? कुछ आया, कुछ आया, कुछ आया, कुछ आया, वो दिख रहा है। ये क्या हो रहा है? उधर ये क्या हो रहा है? ये शूट कीजिएगा। ये नहीं है, मुझे खींचना नहीं है, सब तो पीछे जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, इसको पकड़ लें, इसको पकड़ लें, ये पकड़ लें, ये बेस्ट है। हां ये पकड़ लें, बैकअप चाहिए। कोई आगे कुछ आ रहा है, व्हाट?
कोई चल रहा है ना अंदर? किस चीज के ऊपर पैर रख रहे हो? ख्याल करना इस चीज का। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ सज्जाद भाई, क्या हो गया? इसको पकड़ ले, इसको पकड़ ले, ये पकड़ लेंगे बस। ओ यार ओए ओए, आगे कुछ है, आगे कुछ है, देख के। व्हाट तू चल रहा है ना? आवाज आई है, सांपों के बिल भी है, देख के देख के, सांपों के बिल है यार। मुझे ना बराबर से आवाज आई है सज्जाद भाई। किस चीज की आवाजें आ रही हैं? क्या मुझे कैमरा देना काशिश। पहले यहाँ नहीं था पानी, अब इधर भी पानी आ गया है। हाँ। है ना? अल्लाह, ओए पानी बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है पानी। ओइश है? यार ये तो जंगली अच्छा खासा है पानी भाई। एक दूसरे का हाथ पकड़ो यार, एक दूसरे काशिफ हाथ पकड़ो यार। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कौन चल रहा है? एक जगह रुके रहना सब। ये क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये कौन है? आवाजें सुन रहे हो? आवाजें सुन रहे हो? कौन है? कौन है? हम चारों रुके हुए हैं। कोई कुछ बोल रहा है? कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है। निकलो, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ये दस रहे यार अंदर, देख के भाई छत पे देख के। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, देख के भाई। ज्यादा देर एक जगह खड़े मत होना। हां दस रहे, चलते रहो। ओह माय गॉड, ये जरा जगह को देखो, चल बदबू बढ़ गई सज्जाद भाई। यहाँ पर ये सेंटर हो गया, अब है जंगल, घना जंगल आसपास। चारों साथ रहना है, देखते रहना आसपास। सज्जाद भी ख्याल से यार, मैं ये कह रहा हूँ सज्जाद भी इधर से ना चलें, इधर से इधर से सामने, देख के देख, इधर से इधर से बहुत। मैं भी वही चीज नोट कर रहा था अभी। यहाँ दरख्त गिरना शुरू हो गए हैं बहुत सारे। ऐसी बातें खड़ा नहीं हुआ जा रहा यहाँ तो। नहीं, यहाँ दरख्त टूटे हुए हैं बहुत। टूट गए? हाँ हाँ हाँ, ये देखो इतने उल्टे हाथ पे देखो, ये देख रहे सुल भाई? हाँ निकल पाएंगे? अबे मुझे तो नहीं कोई रास्ता दिख रहा है इधर से यार। भाइयों ये क्या है? दिलों पे कंट्रोल रखना। हेलो, दिलों पे कंट्रोल रखना, गलत जगह आ गए हम। अल्लाह पाक अल्लाह पाक अल्लाह पाक अल्लाह पाक, मुझे लग रहा है ना, ये मुझे लग रहा है। हाँ, इसके बारे में क्या कहेंगे यार? ये इतनी मोटी रस्सी, इनका एरिया शुरू हो गया जिन्नात का, निशानियाँ मिलना शुरू हो गई हैं। चले, आवाज़ें आ रही हैं बड़ी अजीबोगरीब सी, आगे पीछे से। हाँ अल्लाह, उफ दलदली ये शुरू हो गई, अस्तग़फ़ार। Thank you.
बगैर नुकसान पहुंचे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। कौन है? मैंने कहा ना दरख्तों पे कुछ है। ये देखें अल्लाह, साथ साथ सब आगे निकलो, आगे निकलो, आगे निकलो। है रास्ता है। ये देख के पैर रखना इधर दोस्तों, भाइयों इधर देख के पैर रखना। नीचे बहुत सारे वो हैं दरख्तों के, ये ऐसे पीस निकले हुए बड़े बड़े। देख देख के रखो, आराम आराम से रखो, आराम आराम से रखो, कुछ नहीं होगा। सजाद भाई कहाँ गए? सजाद भाई कहाँ हो यार? साथ साथ रहो भाई यार, साथ रहो, ऐसे मत जाओ अकेले। वो निकल गए, देखो आगे कौन है। पूरी रात निकालनी है, काफी है मेरे ख्याल से, बहुत है। थोड़ी सपोर्ट भी मिल जाएगी, ठीक है। जाहिर कर सकते हैं खुद को बगैर नुकसान पहुंचाए। देखिए हमें ये तो पता है कि हमारे अलावा यहाँ कोई मौजूद है, जाहिर कर सकते हैं खुद को। मूवमेंट होती है, ठीक है, वहीं रहेगा। हिलना नहीं, हिलना नहीं, हिलना नहीं, जगह से नहीं हिलना। बगैर नुकसान पहुंचे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं। बगैर नुकसान पहुंचे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं। अरे ऊपर सुबह लाइट रहे, सुबह ये सामने सामने ब्रो, अस्तगफर अस्तगफर अस्तगफर। ओ इल्ला वो दिख रहा है, देख देख के वो दिख रहा है, वो सुबह लाइट जो ओ इल्ला वो दिख रहा है, देख देख के देख के वो दिख रहा है, वो सुबह लाइट जो। पर गिर गए, गिर गए, हम लोग गिर गए, गिर लिया। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? वो क्या है? अपने पीछे देखा यार, ये जिस जगह हमने आग लगाई है यही तरफ हिल रहा है, कहीं आग लगा के गलती तो नहीं की हमने? इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, बुझा दो आग को, बुझा दो। अगर ये चारों तरफ फेंक दो तो अस्तगफिरुल्लाह, बुझाओ 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 इसको, बुझाओ बुझाओ यार। ओ अल्लाह, निकले 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 भाई, भाई कहां है? चल 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 चल, पानी बढ़ गया, पानी हिल रहा है, दरख्त हिल रहा है, दरख्त हिल रहा है। आवाजें आवाजें सुन रहे हो अंदर से? आवाजें सुन रहे हो? बस आगे बाहर आ गए, छोटे शहर में जाते।
Oh my God. पानी तो देखो, आप निकले, आप निकले, काशिफ निकल यार। एक मिनट, सांस ले लो, सांस ले लो। उधर से आवाजें आ रही हैं। हुई 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 हुई, देख देख देख, सुना ये क्या है? अच्छा चल 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 हमने जो इस जजीरे के मुतालिक सुना था इसे उससे कुछ बढ़कर ही पाया। हमने यहाँ जानवर नुमा इंसान या इंसान नुमा जानवर ऐसी मखलूक को रिकॉर्ड किया। हत्ता के हमें शुरू में डाउट हुआ था जब हमने इंसान और जानवर के पाँव के निशान इसके साहिल पर देखे, लेकिन दरख्त पर जो एक जानवर नुमा मखलूक हमें नज़र आई जिसे हमने कुछ हद तक रिकॉर्ड भी किया, गौर करने पर ऐसा लग रहा है जैसे वो बालों से ढकी हुई हो। वो दिख सफ़ेद रही है लेकिन असल में वो काले रंग की है। हमारे नाइट विजन कैमरे की खूबी है कि वो काली चीज़ों को सफ़ेद दिखाता है रात में। उस मखलूक से बात के जवाब में उस आग का भड़कना जिसकी कोई वजह समझ नहीं आती, क्या ये एक इशारा था या जवाब या फिर हमें वहाँ से भगा देने का एक तरीका। वो आवाज़ें, वो माहौल, हमें कई बार ऐसा लगा जैसे हम चारों के अलावा वहाँ कोई मौजूद है। टहनियाँ टूटने की आवाज़ें, किसी के चलने की आवाज़ें। जाते जाते उस जजीरे के बिल्कुल कोने पर हमने कुछ और भी रिकॉर्ड किया और ऐसा लग रहा है जैसे कोई आधा धड़ इंसान का है, आधा धड़ जानवर का है। अब ऐसा कौन सा जानवर है जो हमारा पीछा करे, उस जगह तक आए? अब उस आग को लगाकर हमने वहाँ पर गलती की या उस आग ने हमें बचाया? मैं चाहूँगा ये सब आप दोबारा देखें और ख़ुद फैसला करें कि वो क्या है।